नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग घर पे स्वस्थ और सुरक्षित हैं। और आज हम हिंदी में बिना मात्रा वाले जो शब्द है वो हम सीख चुके हैं, और आज हम आ से औ तक की मात्रा सीखेंगे, ठीक है? और जैसे इसे सीखने से हमें क्या होता है कि हिंदी कैसे पढ़ा जाता है अच्छी तरह से, ठीक है? तो हमारा आज पाठ चौथा है, जिसका नाम है आ से औ तक की मात्रा वाले शब्द, ठीक है? तो आप सबको पढ़ना है ना। हमने आगे पाठ तीसरा पढ़ा था बिना मात्रा वाले शब्द, और आज हम पढ़ेंगे मात्रा वाले शब्द, ठीक है? तो चलो हम चालू करते हैं, और हमारा पाठ चौथा है आ से आव तक की मात्रा वाले शब्द, जिसमें हमारा पहला है रमा टमाटर ला, जिसमें मात्रा दी गई है आगे, ठीक है? और इसे हम एक वीडियो के द्वारा सीखेंगे, ठीक है? जैसे आप सबको बहुत इसमें मजा आएगा सीखने में, अच्छी तरह से याद भी रह जाएगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। हाँ, लेकिन आप जब भी ये वीडियो देखो तब आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठो, ठीक है? ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। तो चलो हम इसको वीडियो के द्वारा देखते हैं। तो क्या आप तैयार हो सीखने के लिए? चलो मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। चार आ से औ तक की मात्रा वाले शब्द। रमा टमाटर ला, आ की मात्रा वाले शब्द, देखो पढ़ो और समझो। क जमा आ की मात्रा जमा र बराबर कार। ग जमा आ की मात्रा जमा य बराबर गाय। पढ़ो कान, खाना, नाक, माला, अनार, चावल, मकान, पालक, टमाटर, पाठशाला। पढ़ो और सुनाओ। रमा टमाटर ला, टमाटर उधर रख। आहा आहा, लाल लाल टमाटर, राजा गाजर और टमाटर खा। राधा अब पाठशाला जा, रमा तबला बजा। आभा हरा गमला इधर रख, राधा माला पहन। तो आप सबने देखा कि मात्रा वाले शब्द को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे मात्रा आती है प्लस करके, क प्लस मात्रा, यानी उसको क्या बोला जाता है, आ। हर एक हमारे व्यंजन के आगे जो भी मात्रा लगती है उसमें स्वर छुपा होता है। जैसे कि हम का बोलते हैं, क के आगे जो मात्रा होती है उसको का बोलते हैं, तो उसमें भी हमारा आ छुपा होता है। जैसे कि का, तो पीछे हम क्या बोलते हैं, आ, ठीक है? तो हमारे सारे व्यंजन में हमारा स्वर छिपा होता है। तो हमने ये एक तो पाठ पूरा किया, अब हम इसका एक अभ्यास भी देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है? तो चलो हम अभ्यास एक देखते हैं। दिए गए चित्रों के नाम पर सही का निशान लगाओ। तो हमें क्या करना है कि ये चित्र पहचानना है, कौन सा है ये चित्र। चलो, आप सबने ये सब्जी खाई है, देखी है? अरे वाह, ये तो क्या है, गाजर। क्या है? गाजर। शाबाश। तो ये हमारा सही था। और हम आगे बढ़ते हैं, तो ये चित्र किसका है बताओ, किसका है? हाँ, तबला। क्या कहते हैं इसको, तबला। शाबाश। चलो, ये भी हमारा सही था। अब हम अभ्यास दूसरा देखते हैं। चुनी और भरी आनंद। इसमें हमें क्या करना है, सही जवाब हमें चुनकर भरना है। जैसे कि ये शब्द बने हैं, इसको हमें पूरा करना है, और हमें यहाँ पे बॉक्स पे नाम दिए गए हैं। देखो, आप सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो हमें एक-एक शब्द को यहाँ पे रखना है। तो हम पहले कौन सा शब्द लेंगे, ग। ग लेके हम यहाँ पे रख देंगे। और दूसरा शब्द क्या, म।
म को भी हम यहाँ रख देंगे, फिर उसके बाद ल, और उसके बाद इसकी मात्रा। ठीक है, कौन सा शब्द बनता है बताओ? यस, गमला। ये हमारा सही था। और दूसरा है ह, हम पहले ह लेंगे उसके बाद ल, ठीक है, और उसके बाद व, और उसके बाद उसकी मात्रा। और कौन सा शब्द बनता है? हलवा। आप सबको पसंद है हलवा। और हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हमारे सारे प्रश्न हैं, और हम दूसरा उसका पार्ट देखते हैं, उसका नाम है मात्रा शनिवार वाले की। शब्द देखो, पढ़ो और समझो। ह जमा छोटी की मात्रा जमा र जमा न बराबर हिरन। क जमा छोटी की मात्रा जमा त जमा आ की मात्रा जमा ब बराबर किताब। मालिश पहिया तिनका नारियल किशमिश। पढ़ो और सुनाओ। शनिवार का दिन था, राम किताब पढ़ रहा था। गरिमा चित्र बनाकर लाई, हवा आई सर सर सर। चित्र उड़ गया फर फर फर। फिर चिड़िया उड़कर आई और चित्र उठाकर लाई। तो ये हमारे सारे शब्द थे, ई से बनते हैं, जिसकी रस्वई हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है थीके? तो ये सारे शब्द थे ई से। हमने आ से सीखा, अब ई से सीखा। तो हम ई से सीखे हुए शब्दों का अभ्यास करते हैं, ठीक है? उसमें अभ्यास एक, चुनिए और करिए और आरंभ इसमें अक्षरों को हमें मिलाकर। हमें जैसे हमने पहले ये कर चुके थे, ठीक है, एक एक शब्द को हमें मिलाना है और देखना है कि कौन से ये कौन सा शब्द बनता है। तो हमने पहले ट रखा, फिर उसकी मात्रा, फिर क, फिर देखना है हमें कि ये कौन सा शब्द बनता है, ठीक है, और लास्ट वाला है हमारा ट, टिकट। क्या बनता है? टिकट। ओ, ये हमने सही जवाब दिया। और अब हम करेंगे पहले स। हमने स रखा यहाँ पे, फिर इसकी रस्व ई, ई की मात्रा है। कौन सी है ये? ई की मात्रा। फिर आएगा य, और फिर उसकी मात्रा, और हमारा आखिरी शब्द है र, सीआर। क्या बनता है? सीआर। और अब हम दूसरा अभ्यास देखेंगे। उसमें क्या करना है? मिलन करना है। क्या है? यानी कि जोड़ना है। और चित्र को देखकर हमें सही शब्द के साथ जोड़ना है। जैसे कि हमारा ये पहला चित्र है, ये कौन सा है बताइए? आप सब सोते समय आप उस इसका यूज करते हो ना, तो क्या बोलते हैं इसको? तकिया। क्या बोलते हैं? तकिया। अरे वाह, ये हमारा सही था। और दूसरा चित्र किसका है? किताब। क्या बोलते हैं इसको? किताब। ये भी हमारा सही था। और तीसरा चित्र किसका है? सही है, पहिया। क्या है? पहिया। अरे वाह, ये भी हमारा सही था। और तीसरा शब्द सितार। अब तो एक ही बचा था। आपको समझ में आ गया? आपको वेरी गुड। और हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा है? सीता, गीता, ठीक है, मात्रा वाले शब्द और वो देखो, है पढ़ो दीर्घई और वाली समझो। मात्रा। तो ह आप जमा देखो, आ की मात्रा जमा थ जमा बड़ी की मात्रा बराबर हाथी। त जमा छोटी की मात्रा जमा त जमा ल जमा
बड़ी ई की मात्रा बराबर तितली। पढ़ो दीदी, सीता, गीत, चाबी, सीटी, डाली, माटी, गाती, मछली, नाशपाती। पढ़ो और सुनाओ। सीता गीता साथ साथ आई, नीली पीली साड़ी भी लाई, फिर हाथी पर सवारी की। अब उनकी दादी बाजार गई, इडली खीर रबड़ी और लीची लाई। रानी नीता और मीता घर पर आई, मिलकर फिर दावत उड़ाई। तो आपने देखा ना, ये बड़े ई की मात्रा है। हमने छोटे ई की मात्रा सीखी, अब बड़े ई की मात्रा सीखी। तो हम इसका अभ्यास भी देख लेते हैं। हमने आ, ई और बड़े ई तीनों की मात्रा वाले शब्द हमने सीखे, और हम ये आखिरी बड़े ई वाली मात्रा करते हैं। तो इसमें भी हमें यही करना है कि अक्षरों को मिलाकर हमें शब्द बनाना है। तो पहले कौन सा शब्द आएगा? स। ठीक है, अब तो आप सबको ये आ गया होगा, है ना, क्योंकि हमारा ये तीसरी बार हुआ है। तो आप सबने अब तो ये सीख ही लिया है ना। तो हम इसमें ज्यादा नहीं करेंगे, एक बार ही करके मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए सीटी क्या बना हमारा, सीटी। और हम देखते हैं दूसरा अभ्यास। ठीक है, तो हमारा दूसरा अभ्यास क्या है? चुनिए और भरिए। तो हमें यहाँ से क्या करना है, दिए गए शब्दों के उलट पुलट कर बने नए शब्दों को सहायक बॉक्स में से चुनकर खाली जगह भरिए। तो हमें उलट पुलट दिए गए, जैसे कि नीना है तो क्या होगा, नानी। नीना का उल्टा शब्द क्या होता है? नानी। क्या होता है? नानी। ठीक है, अब सही है। चलो और दूसरा है राखी। तो राखी का उल्टा कीजिए आप, क्या होगा? खीर। क्या होगा? खीर। हमारा दूसरा शब्द है राखी। तो राखी का उल्टा कीजिए आप, क्या होगा? खीरा। क्या होगा? खीरा। अरे वाह, ये सही था हमारा। नीरा। नीरा का उल्टा क्या होगा? क्या होगा? रानी। क्या होगा? रानी। अब तो एक ही बचा है, अब आपको पता है। रखी। रखी का क्या होगा? खीर। चलो ये हमारा सही था। अब हम तीसरा अभ्यास देखते हैं, मिलान कीजिए। चलो अब हमें चित्र को देख के शब्द के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो हमारा पहला शब्द, हमारा पहला चित्र कौन सा है बताइए आप? क्या है? सही है, परी। क्या है? परी। ठीक है, ये हमारा सही था। और दूसरा कौन सा है? बकरी। और तीसरा क्या है? तितली। चलो हम तितली के साथ जोड़ देते हैं। और अब तो एक ही है, किसके साथ आएगा? पपीता। चलो अब हमने ये भी फिनिश कर लिया। अब हमारा चौथा अभ्यास है, चुनिए और भरिए। तो हमें क्या करना है, सहायक बॉक्स में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हमें यहाँ पे शब्द दिए गए और ये आधे शब्द है, तो हमें यहाँ से ये शब्द ढूंढकर इसे पूरा करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, ये क्या आपको दिख रहा है? बोलो बोलो, लड़की है कि लड़का है? सही है, लड़की। तो क्या आएगा, इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ। चलो ये हमारा सही है। और दूसरा दूसरा कौन सा है चित्र? सही है, मछली। तो क्या आएगा,
ये वाला इधर। चलो ये हमारा सही है। और तीसरा क्या है? घड़ी। तो घड़ी में कौन सा शब्द लगेगा? वेरी गुड। और आखिरी है दीपक। तो ये दी इधर लगेगा। चलो हमने ये कर दिया और हम इस वीडियो में यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट मात्रा वाले शब्द सीखेंगे, जैसे कि हमने इस वीडियो में आ ई और बड़ी ई वाले मात्रा सीखे हैं, और आगे हम ए आई ओ औ वाले मात्रा सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।